नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में पूरी तरह से मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए काफी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है ठोस अवस्था यानी सोलिड स्टेट का टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करने वाले है, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी काफी इम्पोर्टेंट है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो है, इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा, तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो इसीलिए सभी प्यारे स्टूडेंट पूरा क्लास को देखिएगा और मेरे साथ साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर देते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग जो क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले अगर कोई भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। और पीडीएफ नोट्स परचेज करना है तो आपको इस नंबर में कॉन्टेक्ट कर लेना है, नंबर है 7366865888। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं, एमएस इंस्टीट्यूट नाम से चैनल है, ठीक है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। सभी प्यारे स्टूडेंट प्लीज अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, आंसर देने से आपको फटाफट याद होगी, ठीक है। तो देखिये पहला नंबर क्या पूछा गया है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है, इनमें से बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है, हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबर। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है बेरवादार ठोस का जो उदाहरण है वो है रबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर एमोरफस सॉलिड होगा, ठीक है, यहाँ पर एन एग्जांपल ऑफ एमोरफस सॉलिड, इंग्लिश वाले थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, इनमें से अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है, NaCl, ZnS यानी जिसको हम लोग जिंक सल्फाइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं, उसके बाद कांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच, कांच जो है वो अक्रिस्टलीय ठोली यानी ठोस होता है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होता है, तो HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, तो आपको याद रखना है 6 होता है। और वहीं पर बात करें HCP इकाई सेल में समन्वय संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। HCP का पूरा नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4 नंबर, क्या पूछा गया है, देखिए रवादार ठोस है, रवादार ठोस इनमें से कौन है, तो आपको याद रखना है रवादार ठोस की बात करें तो हीरा जो है वो एक रवादार ठोस होता है, और बेरवादार ठोस की बात करें तो रबर और कांच जो है वो बेरवादार ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन यानी बेरवादार ठोस है, इनमें से बेरवादार ठोस कौन है, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है जो यानी क्वार्ट्ज ग्लास है वो बेरवादार ठोस होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, 6 नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है, इनमें से फेरोचुंबकीय पदार्थ यानी लोह चुंबकीय पदार्थ कौन है, सोडियम क्लोराइड यानी Fe3O4, उसके बाद O2N2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe3O4, ठीक है। ये क्या होता है, फेरोचुंबकीय पदार्थ होता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, हीरा में कार्बन का संकरण होता है, तो हीरा में जो कार्बन का संकरण होता है यानी हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हीरा में कार्बन का संकरण sp3 होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8 नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है कि Na2O मतलब सोडियम डाइऑक्साइड में सोडियम की उपसे संयोजक संख्या होगी, तो सोडियम डाइऑक्साइड में सोडियम की उपसे संयोजक संख्या की बात करें तो 4 होती है, कितना होती है, 4 होती है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट जो है ना यानी 6 और 8 लगा करके आ जाते हैं, गलती नहीं करना है। Na2O में जो है सोडियम की उपसंयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है ना 4 होती है। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, क्या पूछा गया है? शॉटकी तथा फ्रेंकल दोष होता है। देखिये प्यारे स्टूडेंट, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष जो होते हैं वो क्या होते हैं? नाभिकीय दोष, परमाणु दोष, क्रिस्टल दोष, आण्विक दोष। तो प्यारे स्टूडेंट आपको याद रखना है क्रिस्टल दोष होते हैं, ठीक है। शॉटकी और फ्रेंकल दोष जो होते हैं वो क्रिस्टल दोष होते हैं। और वहीं पर बात करें शॉटकी और फ्रेंकल दोष कौन दर्शाता है, तो AgBr जो है दोनों दर्शाता है, ठीक है। AgBr यानी सोडियम यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, अंतःकेंद्रित घन की उपसंयोजक संख्या होगी। देखिए प्यारे स्टूडेंट, अंतःकेंद्रित घन की उपसंयोजक संख्या जो होती है वो क्या होती है? 8, 6, 4, 12। तो प्यारे स्टूडेंट आपको याद रखना है 8 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, कांच होता है, कांच जो होता है वो क्या होता है? तो कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। ये जो है बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। और भी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप कोई भी बोर्ड से दे रहे हैं याद रखना है ये क्वेश्चन, कांच होता है अतिशीतित द्रव। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, क्या पूछा गया है? देखिए CHCl मतलब सीजियम क्लोराइड का उपसंयोजक संख्या का अनुपात होता है। तो सीजियम क्लोराइड का जो है उपसंयोजक संख्या का जो अनुपात होता है तो वो क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है 8:8 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर, क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं होता है। इनमें से क्रिस्टलीय ठोस का गुण कौन नहीं होता है? क्या वो निविड, संकुलित, आयनिक, समदैशिक, सभी? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है क्रिस्टलीय ठोस का जो गुण नहीं होता है वो क्या नहीं होता है? तो वो यानी सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 14 नंबर, धनायन अंतरकाश स्थान में उपस्थित होता है। देखिए धनायन अंतरकाश स्थान में जो है उपस्थित हो जाते हैं तो वो कौन? फ्रेंकल दोष, शॉटकी दोष, रिक्तिका दोष, धातु न्यूनता दोष। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंकल दोष, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 15 नंबर, शॉटकी दोष पाया जाता है। शॉटकी दोष किस में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड में, सीजियम क्लोराइड में, इनमें से सभी में। शॉटकी डिफेक्ट इज फाउंड इन, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, तीनों में पाया जाता है। तो राइट आंसर इनमें सभी में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 नंबर, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये फेवरेट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। देखिए पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है कब? क्या वो 4K पर, 10K पर, यानी के क्या हो जाएगा? के केल्विन हो जाएगा, 20K पर, 25K पर। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है केलोरी पर हो जाएगा ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा का मात्रक जो यानी प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो वो 4K पर हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आयोडीन है, आयोडीन क्या है? आयनिक ठोस, परमाणुविक ठोस, आण्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस। तो आपको याद रखना है आयोडीन जो है वो एक आण्विक ठोस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 18 नंबर, धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण है। देखिये धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण जो होता है वो कौन होता है? फ्रेंकल दोष, शॉटकी दोष, धातु कमी की दोष, या फिर धातु अधिकता का दोष। तो आपको याद रखना है धातु अधिकता का दोष जो है धातु यानी आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 19 नंबर, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है? आण्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है ग्रेफाइट जो होता है वो सहसंयोजक ठोस होता है, कोवालेंट सोलिड होता है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, किस
किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। देखिए कौन से यूनिट सेल में जो है ना परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, क्या वो बीसीसी में, एचसीपी में, एफसीसी में या फिर क्यूबिक में। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कौन से यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक रहती है, तो वो एचसीपी में। एचसीपी में परमाणुओं की संख्या 6 होती है, ठीक है, इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 21 नंबर। सभी प्यारे स्टूडेंट जो है लाइव चैट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए प्लीज, और पीडीएफ कोर्स के लिए यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा उस नंबर में कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्या पूछा गया है, फ्रेंकल दोष तथा फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष दोनों होते हैं तो वो किस में, क्या वो सोडियम क्लोराइड में या फिर जो है AgCl में या फिर AgBr में या फिर जो है यानी KCl में, यानी सोडियम क्लोराइड में, सिल्वर क्लोराइड में, सिल्वर ब्रोमाइड में, पोटेशियम क्लोराइड में। तो देखिए फ्रेंकल और शॉटकी दोष जो पाए जाते हैं वो सिल्वर ब्रोमाइड में, AgBr में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 22 नंबर। क्या पूछा गया है, शुद्ध सिलिकॉन को फॉस्फोरस से डोप करने से क्या होता है। तो देखिए शुद्ध सिलिकॉन को फॉस्फोरस से डोप करने से क्या होगा, यानी धात्विक सुचालक, कुचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक क्या प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है शुद्ध सिलिकॉन को फॉस्फोरस से डोप करने पर एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। क्लास अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। देखिये एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है, एवोगाड्रो संख्या जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है। तो आपको याद रखना है 6.023 गुना 10^23, ये जो है यानी एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। Fe3O4 ठोस होता है, तो Fe3O4 जो होता है वो कैसा ठोस होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ या फिर जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ या फिर लौह चुंबकीय पदार्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है Fe3O4 जो दर्शाता है वो लौह चुंबकीय दर्शाता है, लौह चुंबक के प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, बीसीसी देखिए बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। तो आपको याद रखना है 32% होता है, और वहीं पर बात करें पैकिंग प्रभाज कितना होता है तो 68% होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो 26 नंबर। क्या पूछा गया है, देखिए 26 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ठोस क्षारीय धातु का हेलाइड रंगीन दिखने का कारण है। देखिए ठोस क्षारीय धातु के हेलाइड जो है रंगीन दिखता है तो वो किस कारण से, शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष, एफ केंद्र या फिर जो है यानी अंतरकाशिक स्थल के कारण। तो आपको याद रखना है एफ सेंटर के कारण जो है यानी ठोस क्षारीय धातु के हेलाइड का रंग जो है रंगीन दिखता है, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। फ्रेंकल दोष किस में होता है, तो फ्रेंकल दोष की बात करें तो फ्रेंकल दोष सिल्वर ब्रोमाइड में होता है और शॉटकी दोष भी जो है इसी में होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 28 नंबर। फेरोमैग्नेटिक है, इनमें से फेरोमैग्नेटिक कौन है, निकेल, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, उसके बाद जो है यानी सभी। तो याद रखना है इसका राइट आंसर ए बी और सी तीनों हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी, ये तीनों जो है ना क्या है तो वो जो है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 29 नंबर। Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या है, तो ये बार बार बता चुके, ये लगा के तीसरा बार बता दिया आपको कि Na2O में कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है, यानी इनमें किसमें जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना होती है, सोडियम क्लोराइड में, सीजियम क्लोराइड में, जिंक में, रुबिडियम क्लोराइड में। तो आपको याद रखना है जिंक में जो है HCP क्रिस्टल संरचना होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अनुमान अधिकतम होता है। बिहार बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में भी बार बार पूछा गया है, ये बिहार
बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है, तो आपको याद रखना है K2SO4 का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 32 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गैलेना किसका अयस्क है, गैलेना जो अयस्क होता है तो वो किसका बताइए, SN मतलब टीन का, PB मतलब लेड का, SI मतलब सिलिकॉन का, AG मतलब सिल्वर का, तो आपको याद रखना है गैलेना जो अयस्क होता है वो लेड का होता है यानी PB का होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 33 नंबर, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस क्वेश्चन में हर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में क्या होता है, सीजियम, सिलिकॉन, उसके बाद टीन या फिर जो है TI टाइटेनियम। तो याद रखना है सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में जो होता है वो क्या होता है, तो वो सिलिकॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 34 नंबर, संयोजक ठोस है, इनमें से सहसंयोजक ठोस कौन है, तो आपको याद रखना है क्वार्ट जो है वो क्या है, तो वो सहसंयोजक ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 35 नंबर, आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको PDF कोर्स परचेज करना है तो इस नंबर में अभी कॉल या मैसेज करें, आपको तुरंत मिल जाएगा। PDF कोर्स नंबर है 7366865888, इस नंबर में कॉन्टेक्ट कर लेना है, आपको 100% लर्ने वाला प्रश्न मिलेगा जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैकेज मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है संपर्क करके जल्दी से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 35 नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित होता है, 8:8 प्रकार की पैकिंग प्रभाव जो उपस्थित होता है वो किस में, तो आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि सीजियम क्लोराइड में जो है 8:8 प्रकार का पैकिंग प्रभाव उपस्थित होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम लोग का जो है ठोस अवस्था का टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है, क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, 35 में आप कितना सही किए ये भी जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।